शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। 20 साल से अपने लिए घृणा और तिरस्कार भरी आंखें तो मैंने रोज देखी है, लेकिन आज वो भरी आंखें तुम पहली बार देख रही हो। राजू, राजू, 20 साल तक अपने से दूर रखा, अब माँ होकर भी तुझे माँ का प्यार नहीं दे सकी। मुझे मुझे माफ कर देना राजू, मुझे माफ कर देना बेटा। नहीं माँ, तुम मुझसे दूर नहीं थी। ये देख, देख, तेरे चरणों की धूल हमेशा तेरा आशीर्वाद बनकर मेरे साथ रही। माँ, अब तेरी प्रतीक्षा और मेरी प्रतिज्ञा पूरी होने का समय आ गया है। देख, देख मैं यहां किसे लाया हूं। तुम माँ बेटे इस गांव में नहीं रह सकते। ये यहां से ऐसे नहीं जाने वाली। इसके माथे पर एक ऐसा दाग लगाना होगा कि किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे। मैं इसी देवी का बेटा हूं। ये वही देवी है जिसके माथे पर सिंदूर की जगह तुम लोगों ने बदनामी का दाग लगाया था। मैं उसी विजय मल्होत्रा का बेटा हूं जो शहीद होकर भी तुम लोगों की वजह से देशद्रोही कहलाया। जानता है मैं तुझे यहां क्यों लाया? ताकि जिस धरती पर धरती की सबसे बड़ी नाइंसाफी हुई, इंसाफ भी उसी धरती पर हो। और सालों से इंसाफ के लिए इस वीराने में तपस्या करती मेरी मां आज अपनी आंखों से इंसाफ होता देखे। इंसान मर जाते हैं प्रताप सिंह, मगर आवाजें कभी नहीं मरती। सुन, 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 गौर से सुन, इस रेत में मेरे बाप के तड़पने की आवाज सुन, 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 सुन। सुन, अपने बाप के लिए एक बच्चे का रोना बिलकना सुन। तूफान में अपने पति को ढूंढती एक माँ की चीख सुन, सुन, गौर से सुन मेरी माँ की चीख है, सुन, सुन, सुन। के नहीं, जसवंत निकाल। जसवंत, मैं तुझे बहुत पहले ही पहचान गया था। जसवंत, तू यहां आया नहीं, लाया गया है। राजू के प्लान के मुताबिक मैंने तुझे प्रताप के आने की खबर दी, जानबूझकर तुझे छोड़ा, क्योंकि हम जानते थे अपने बिजनेस के लिए तू इसे बचाने यहां जरूर आएगा। और क्योंकि जसवंत को कानून की माफी मिल चुकी है, तू ये काम जसवंत बनकर नहीं बल्कि डीके बनकर करेगा। दुगने हिस्से के लिए तू अपने
साथियों को धोखा दे सकता है जसवंत, हमको नहीं। यू आर अंडर अरेस्ट। अपने आदमियों को बचाने के लिए जसवंत अकेला आएगा। मुझे चीखे सुन रहा था, मुझे चीखे सुन रहा था। ये कमीना बेजर विजय मल्होत्रा का बेटा है। इसका बाप मर के यहां दफन हुआ था, इसे जिंदा कर दो। Yeah!
माफ कर दो। राजू मैं तेरा ससुर हूं बेटा, क्या तू अपने ससुर को मारेगा? नहीं नहीं राजू नहीं। मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगा। कितना कितना रहम दिल है। आखिर आखिर मेरा मेरा दामाद है। ऊपर देखो। नोच नोच कर जिंदा खा जाएंगे। राजू 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 तू मैं गोली से मार दे। राजू गोली से मार दे मुझे, जान से मार डाल, भगवान का वास्ता है तुझे। मैंने कसम खाई थी कि तुम लोगों को ना चिता की आग मिलेगी ना धरती माँ की गोद। नहीं राजू नहीं 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 राजू राजू मैंने तेरे देशभक्त बाप के खिलाफ झूठी गवाही दी थी, संगीनों से गोद गोद के मारा था। असली गद्दार तो हमें, जल्दी रिवॉल्वर निकाल और मार डाल मुझे। अरे तू तो पढ़ा लिखा है, समझदार है, मारता क्यों नहीं? ए गांव वालों, हम सारे जुर्म कबूल करते हैं, इनकी दो से हमें बचा लो, हम चल भी नहीं सकते, हमें मार डालो। अरे रुक जा, कहाँ जा रहा है तू? अरे तेरी देवी जैसी माँ के माथे पर मैंने लिखा था कि उसका पति देशद्रोही है। अरे तू भी मेरे माथे पर गोलियों से लिख दे कि मैं कुत्ता हूँ, कमीना हूँ, सुअर हूँ। रुक जाओ, हमें छोड़ो, मत जाओ गांव वालों। GOD! General!